अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। जैसे कि आप देख चुके हैं हमारी पहली वीडियो, यानी हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। यानी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगा किस तरह से ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो बिजनेस कार्ड की एक सीरीज शुरू की है उसके थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं। यानी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट तरीका इसका बताया था कि किस तरह से हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और एंड में उसको किस तरह से आप PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा किस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और किस तरह से उसको एक्सपोर्ट करना है। तो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा किस तरह से आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके साथ मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से हम आइडियाज़ उठा के गूगल से और उसको इलस्ट्रेटर के अंदर रिक्रिएट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा बदल के एक यूनिक बिजनेस कार्ड किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम इलस्ट्रेटर के अंदर बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने के लिए वही यहाँ पे मैंने एज यूजुअल यहाँ पे कुछ इन्फो लिखी हुई है और यहाँ पे कंपनी का लोगो और ये नाम है और यहाँ पे मैंने एक नाम लिख रखा है क्रिएटिव डायरेक्टर का और यहाँ पे कुछ कलर्स दो मैंने रखे हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। लेकिन ये इन्फो मैं यहाँ से नहीं लेके जाऊँगा, मैं वहाँ पे खुद टाइप करूँगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कौन सा मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहिए, यानी फॉन्ट साइज़ क्या होगा। तो वो सब कुछ आपको बताने के लिए मैं वहाँ पर दोबारा से टाइप करूंगा। तो सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं फाइल में जा रहा हूं, न्यू पे क्लिक कर रहा हूं और न्यू पे क्लिक करता हूं तो यहां पे मेरे पास ये न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो आ चुकी है। यहां पे मैं सिंपली मोर सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा और यहां मैं वही सेटिंग्स दे देता हूँ जो हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर दी हैं बिजनेस कार्ड के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वही, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो जाके देख लें। सबसे पहले मैं यहाँ से यूनिट सेलेक्ट कर रहा हूँ इंचज़ में और यहाँ पे 3.5 और विड्थ मैं हाइट इसकी रख रहा हूँ 2, ब्लीड इसकी दे रहा हूँ 0.125 एंड कलर मोड रख रहा हूँ RGB, रास्टर इफेक्ट दे रहा हूँ मैं 300 और यहाँ पे आर्ट बोर्ड 2 रख के ये कुछ सेटिंग्स करके और यहाँ पे टाइटल इसका मैं दे देता हूँ बिजनेस कार्ड और यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये प्रीसेट बन के आ गया और उसके बाद हमने सेफ्टी मार्जिन क्रिएट करना है तो वो हम इसके ऊपर क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, रेक्टेंगल मैं एक बनाऊँगा 3.25 और यहाँ पे हाइट इसकी दे रहा हूँ 1.75। ओके, उसके बाद मैं इसका फिल ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से और सिर्फ मुझे स्ट्रोक चाहिए, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, विंडो में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं अलाइन पैनल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से अलाइन टू आर्ट बोर्ड एंड देन यहाँ पे इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर, वर्टिकल लाइन सेंटर। फिर मैं इसी स्ट्रोक को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेक गाइड्स, ये गाइड बन चुकी है। उसके बाद इसी गाइड को उठा के मैं दूसरे आर्टबोर्ड पे भी रखूँगा क्योंकि दोनों में मुझे चाहिए, इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, अनलॉक गाइड, यानी अनलॉक हो जाइए, अभी ये लॉक है। अब मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, इस आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करूँगा यानी इस गाइड को और यहाँ से अलाइन पैनल के अंदर आके ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर, वर्टिकल लाइन सेंटर, फिर इन दोनों गाइड्स को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, लॉक गाइड्स, अभी ये लॉक हो चुके हैं। ये हमारी लेआउट है, इसके ऊपर हम रह के बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे। अब मैं यहाँ पे गूगल में कुछ आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ इसके ताकि आपको आइडिया हो जाए, यानी अगर आपको आइडिया आ रहा है यानी तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हैं बिजनेस कार्ड, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे लोगो भी कुछ आप सर्च कर सकते हैं, उनसे आप कोई आइडिया उठा के और आप उसको मॉडिफाई करके बना सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, यानी उसको वेक्टर बना सकते हैं। उसके बाद इमेज में मैं आ रहा हूँ, इमेज सर्च में, और यहाँ पे बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखा देता हूँ, ये जैसे एक बिजनेस कार्ड है, इसका आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, यानी ये जो एक इस तरह से कर्व बना हुआ है राइट साइड में, इसको आप लेफ्ट में कर दें, इसको उठा के उधर कर दें और थोड़ा सा इधर यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके आप एक यूनिक बना सकते हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन है, इसको थोड़ा बदल के आप बना सकते हैं, कलर्स वगैरह चेंज कर दें, इसका जो फॉन्ट है वो आप अलग रख सकते हैं, इसकी इन्फो का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से लाइंस वगैरह लगी हुई हैं उनके अंदर, आप इसको बदल सकते हैं, आप लाइन की जगह कोई डैश लाइन लगा दें या डॉट लाइन लगा दें,
या लाइन आप लगाई ना, यहाँ से सिंपली आप एक यहाँ पे लिख दें इन्फो, और यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दें कुछ इस तरह से। आप यहाँ से आइडियाज उठा के उनको बदल के और आप अपना बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे हम अपने इलस्ट्रेटर के अंदर आ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे कलर्स की जरूरत पड़ेगी, मैं सिर्फ यहाँ से कलर्स उठाऊंगा और लोगो इन्फो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा और नेम भी टाइप करूंगा। तो लोगो तो ये मैंने रैंडमली गूगल से ही डाउनलोड किया है, तो आप भी कर सकते हैं, ये मैंने बनाया नहीं है, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया, आप इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो कलर्स हैं ये मैं उठा के लेके जा रहा हूँ अपनी दूसरी फाइल के अंदर, यहाँ पे बिजनेस कार्ड वाली। ये दो कलर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इनको मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ ताकि हम बाद में इसको पिक करेंगे यहाँ से। सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूँ ऑल्ट प्रेस करके, और अपने स्क्रॉल व्हील को मैं माउस से ऊपर कर रहा हूँ, तो ये मेरा जूम हो रहा है। इसका आपको पता है जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी इलस्ट्रेटर की बेसिक की, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से हम जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, कर सकते हैं, इन टूल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे फर्स्ट साइड में हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं सबसे पहले कुछ। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। बिल्कुल ये मैंने ब्लीड मार्क से ड्रैग करना है, यानी अंदर से नहीं करना, आपने ब्लीड मार्क जो रेड लाइन दिख रही है उसके ऊपर बनानी है रेक्टेंगल। यहाँ पे मैं फिल इसका दे रहा हूँ वाइट, या थोड़ा सा लाइट दे देते हैं हम इस तरह से, ये मैंने दे दिया। उसके बाद ये बैकग्राउंड मैं उठा के ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पे बैक साइड पे रख रहा हूँ। ये दो बैकग्राउंड मैंने रख लिए, दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल टू प्रेस करूँगा ताकि ये लॉक हो जाए। अभी ये लॉक हो चुके हैं यहाँ पे बैकग्राउंड्स। उसके बाद हम इसके ऊपर ये कलर यूज़ करते हैं और इन्फो लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूसरी फाइल के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ से इनका लोगो जो है मैं उठा के ला रहा हूँ इस कंपनी का, और यहाँ पे मैंने रखा। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ आपने याद रखना छोटा करना है, आप वैसे करेंगे तो ये बिल्कुल बुरा लगेगा और ये स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद लोगो की स्ट्रोक मैंने कुछ ज़्यादा दे दिया यहाँ पर, तो इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, राइट क्लिक अनग्रुप, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसका स्ट्रोक का जो वेट है मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, यहाँ पे कर देते हैं ये ज़्यादा कम हो गया, इसको मैं 0.5 कर देता हूँ। ओके ये ठीक है, अभी सही लग रहा है ये। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं बिल्कुल सेंटर में रखूँगा। उसके बाद हमने ये लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं बिल्कुल सेंटर में बनाऊंगा एक छोटी सी रेक्टेंगल इतनी, इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये दो मैंने ले ली, एक में मैं कलर फिल कर देता हूँ ये वाला, एक में ये ब्लैक वाला। इसको मैं सिलेक्ट करके आई प्रेस कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर से ये कलर पिक कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें या फिर ये डाल देते हैं और इसमें ये ब्लैक। ओके इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया और सेंटर लाइन कर दिया और हॉरिजॉन्टल, ये बिल्कुल अभी सेंटर में आ चुके हैं दोनों। और ये आपने याद रखना कि इनको यहाँ पे स्ट्रेच करना फुल ब्लेड तक, अदरवाइज ऊपर कर देंगे तो कटिंग में कट के ये बहुत बुरा लगेगा। ये आपने ब्लेड तक जो भी इसमें बैकग्राउंड वगैरह ये कलर्स डालने हैं वो आपने फुल स्ट्रेच करने हैं, सिवाय मैटर के, यानी आप जो नाम लिखेंगे वो बस इस ये जो गाइड है उसके अंदर रखेंगे, बाकी पूरा आप बाहर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइन टूल ले रहा हूँ मैं और यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ शिफ्ट के साथ, ये आपने याद रखना मैं शिफ्ट के साथ बना रहा हूँ तभी ये सीधी बन रही है, अदरवाइज आपकी टेढ़ी मेढ़ी सी बन सकती है। इसका मैं कलर दे रहा हूँ ये वाला ग्रीन, और यहाँ पर स्ट्रोक ये ग्रीन कलर मैंने दे दिया। इसका वेट थोड़ा मैं 2 पॉइंट कर रहा हूँ, यस 2 पॉइंट ठीक है, और ए प्रेस करके मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ कर रहा हूँ अपने एरो की से, उसके बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट करके ये ठीक है। उसके बाद इसी लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी लूँगा इसकी, और यहाँ से रोटेट टूल लेके इसका पॉइंट मैं रोटेट कर यहाँ पे लगाऊंगा और इसको शिफ्ट के साथ मैं रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे,
उसके बाद इसको मैं रख देता हूं यहां पे इतना, और ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं इस तरफ स्ट्रेच कर रहा हूं आगे की तरफ ताकि ब्लेड मार्क तक आ जाए। उसके बाद इसको पकड़ के मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं इस लाइन के बराबर, बस अभी ठीक है। उसके बाद मैं वापस से अपनी उसी फाइल के अंदर जा रहा हूं, या इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं शिफ्ट के साथ, और मैं दूसरी फाइल में जा रहा हूं, और यहां से मुझे ये नेम लिखना है उस तरफ, तो मैं वहां पे ही नाम लिख देता हूं। मैं यहां से ले रहा हूं टाइप टूल, इसकी शॉर्टकट की है टी, तो जैसे आप टी प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका आइकन ये आ जाएगा। मैं यहां पे सिंपली क्लिक कर रहा हूं और यहां पे टाइप कर देता हूं, मैं कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल में करूंगा, यहां पे मैंने नाम टाइप कर दिया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं शिफ्ट के साथ आपने करना है, और इसको सेलेक्ट रखूंगा और यहां पे ऊपर फॉन्ट मैं इसका दे रहा हूं, फॉन्ट मैं यहां पे टाइप कर लेता हूं गौथम बोल्ड, ये मेरे पास जो एक फॉन्ट है बोल्ड वो आ चुका है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोबारा से टी प्रेस करूंगा, टाइप टूल आ जाएगा, इसको यहां से मैं इस ये जो अब्बास लिखा हुआ एंड पे इसको सेलेक्ट करूंगा, यहां से ऊपर प्रॉपर्टी बार में बोल्ड की जगह मैं लाइट कर दूंगा। अभी ये लाइट हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं ये जो नासिर है वो बोल्ड है और अब्बास लाइट है। इसको मैं यहां पे रख रहा हूं। दूसरी फाइल में देखते हैं इनके कलर कौन कौन से हैं, यानी नासिर में हमने देना है डार्क ग्रे और अब्बास में देना है ग्रीन। टाइप टूल लेके मैं इस नासिर को सेलेक्ट कर रहा हूं और इसमें कलर कोड हम पेस्ट करेंगे। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं ब्लैक वाले को, यानी ये हमारे कलर में से जो ब्लैक कलर है इसको सेलेक्ट करके फिल पे डबल क्लिक कर रहा हूं और यहां से इसका कलर कोड कॉपी कर रहा हूं कंट्रोल सी से, और यहां पे फिर टाइप टू से इस नासिर को सेलेक्ट करूंगा, फिल पे डबल क्लिक करूंगा और यहां पे वो कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा और ओके। अभी ये नासिर में वही कलर आ चुका है। उसके बाद हमने कॉपी करना है इस ग्रीन का कलर कोड, इस ग्रीन को सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, फिल पे डबल क्लिक, यहां पे कंट्रोल सी ओके, यहां पे वापस मैं आ रहा हूं इस अब्बास को सेलेक्ट करूंगा, फिल पे डबल क्लिक करूंगा और यहां पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा ओके, और ये ग्रीन कलर इसमें आ चुका है। अभी आप देख सकते हैं उसी तरह का ये नाम बन चुका है। उसके बाद क्रिएटिव डायरेक्टर है, इसको मैं वहां पे टाइप कर लेता हूं, टी प्रेस करके यहां पे क्लिक किया, यहां पे मैं डाल देता हूं क्रिएटिव, इसको मैं उठा के यहां पे रखता हूं बिल्कुल इसके साथ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहां पे ऊपर रख दिया, इनको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं ताकि यहां पे फिक्स आ जाइए, और इस तरह से बिल्कुल यहां पे परफेक्ट आ चुका है। उसके बाद हमें यहां पे नीचे इन्फो लिखनी है, तो इन्फो यहां पे भी लिखी हुई है लेकिन मैं वहां पे लिख लेता हूं, तो मैं यहां पे टाइप टूल ले रहा हूं टी प्रेस करके और यहां पे क्लिक कर रहा हूं, और यहां पे मैं टाइप कर देता हूं फोन नंबर, तो मैं जल्दी जल्दी से यहां पे टाइप कर रहा हूं। अभी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो यहाँ पे मैंने इन्फो जो है वो टाइप कर लिया वहां से देख के, और यहाँ पे मैंने टेलीफोन लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट और यहाँ पे स्ट्रीट, आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल वगैरह या जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और ए प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो एक स्ट्रोक हमने दिया है इसको मैं लेफ्ट एरो की से लेफ्ट की तरफ कर रहा हूँ ताकि थोड़ी जगह यहाँ पे हमें मिल जाए इन्फो लिखने के लिए। थोड़ा और कर देता हूँ इतना ठीक है। उसके बाद ये जो क्रिएटिव डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा मैं लेफ्ट साइड पे कर देता हूँ, और अभी मैं इन्फो को लेफ्ट में कर रहा हूँ यहाँ तक, इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर लेता हूँ इतना, और अभी ठीक है। इन दो दो के जो लिखे हुए हैं यहाँ पे ग्रुप्स, इनको मैं ग्रुप बना लेता हूँ इस तरह से, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, इन तीनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ऊपर प्रॉपर्टी बार में से यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ। ये यहाँ पे सेलेक्टेड है अलाइन टू आर्टबोर्ड,
तो मैं विंडो में जा रहा हूँ, अलाइन पैनल ओपन कर रहा हूँ और यहाँ से अलाइन टू सिलेक्शन कर देता हूँ और यहाँ पे ये ओके, यहाँ पे आपने ये बटन प्रेस करना है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। अभी यहाँ पे हमारी इन्फो जो है वो आ चुकी है, ये हमारी बन गई फ्रंट साइड। बाद में मैं आपको मॉकअप में दिखाऊंगा कैसा ये दिखता है प्रिंटिंग के बाद। थोड़ा सा आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं इन्फो को, ताकि प्रिंटिंग में थोड़ी नज़र आए। ज़्यादातर आप 8 ही रखें इसको, मैं इसको थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, लेकिन आप बिजनेस कार्ड के लिए 8 पॉइंट्स यूज़ करें। यानी अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है इस तरह से इन्फो में, और उसको आप 8 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बैक साइड की तरफ। तो बैक साइड में हमें कुछ यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रेक्टेंगल टूल और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल बना दी। उसके बाद लाइन टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे सेंटर में एक लाइन बना रहा हूँ शिफ्ट के साथ। अभी ये लाइन बन चुकी है, इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ लाइन विंडो में। इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, रेक्टेंगल को और लाइन को, विंडो में जा रहा हूँ और यहाँ से पाथ फाइंडर को ओपन कर रहा हूँ मैं, ये पाथ फाइंडर। उसके अंदर इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डिवाइड। डिवाइड क्या करेगा, यानी जो हमने लाइन लगाई है उसको डिवाइड कर देगा। सबसे पहले तो मैं इनको अलाइन कर दूँ, लाइन और ये रेक्टेंगल को। तो यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर प्रॉपर्टी बार में से मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर और वर्टिकल लाइन सेंटर इन दोनों कर देता हूँ, या वर्टिकल की ज़रूरत नहीं। इन दोनों को सेलेक्ट किया, पाथ फाइंडर में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, राइट क्लिक किया, अनग्रुप, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। अभी ये अनग्रुप हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, यानी जहाँ पे हमने लाइन लगाई थी वो पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। तो इस तरह से ये अलग हो गए। इसको सेलेक्ट करके मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर, और वापस से इसको सेलेक्ट करके मैं दे देता हूँ ये कलर। ये दो कलर्स मैंने इनमें दे दिए। उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करो। अभी तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी आपको रेक्टेंगल्स दिख रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल पतली सी लाइंस आएंगी हमारी प्रिंटिंग के अंदर, क्योंकि बाकी हिस्सा कट जाएगा जो हमें इसके अंदर चाहिए, यानी हमारी गाइड के अंदर होगा वही रहेगा, बाकी कट जाएगा। इसको दोनों को सेलेक्ट करके ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैं इनको ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अभी इनकी एक कॉपी जनरेट हो गई, या फिर ऊपर वाली को डिलीट कर देंगे, हमें नीचे वाला ही सिर्फ डिज़ाइन चाहिए ये। उसके बाद हम यहाँ पे लोगो इनका लगाएंगे, तो अभी हमारा ये बन जाएगा। यानी फ्रंट साइड हम बना चुके हैं और यहाँ पे अभी हम कुछ डिज़ाइन बना देते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे बैक साइड पे लोगो लगाना है। मैं लोगो यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हैं, या आप इसको खाली रहने दें। ज़्यादातर जो यहाँ पे मैंने देखे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, बिजनेस कार्ड की बैक साइड जो होती है, यानी जो इंग्लिश में होते हैं सिर्फ, अगर अरेबिक का हो तो वो तो बैक साइड पे अरेबिक होती है, फ्रंट में इंग्लिश होती है, या फ्रंट पे अरेबिक बैक साइड पे इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश में होते हैं वो ज़्यादातर बैक साइड जो खाली होती है या उन पे कुछ डिज़ाइन बना होता है इस तरह से। आप जैसे ये बना सकते हैं और उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लें यहाँ पे, और दैट सेट ये बस प्रिंटिंग में ऐसे ही आएगा। या फिर आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आता है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस लोगो को मैं कॉपी करके यहाँ पे रख रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट सा ही अच्छा नहीं लग रहा। इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर में कंट्रोल जी कर देता हूँ लोगो को। यहाँ से मैं विंडो में जा रहा हूँ, यहाँ से अलाइन पैनल को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से सेंटर लाइन कर रहा हूँ इसको, अलाइन टू आर्टबोर्ड एंड देन सेंटर। ये अभी ये बन चुका है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ और डन, ये हो चुका है। उसके बाद हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, सेव करना है, और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ कि प्रिंटिंग के बाद ये कैसा दिखेगा। यानी अभी मैं इसका मॉकअप बनाता हूँ फोटोशॉप के अंदर, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे फाइल में जा रहा हूँ, सेव एज, एंड देन यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ सेव एज टाइप PDF। यहाँ पे बिजनेस कार्ड PDF लिख देते हैं, PDF, यहाँ से सेव। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेव अडोब PDF की विंडो आ गई, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रेस क्वालिटी मार्क एंड ब्लीड में आके यहाँ पे ट्रिम मार्क्स को चेक लगा देता हूँ, यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग्स, यहाँ पे ऑफसेट दे देता हूँ मैं 0.125 जो हमने ब्लीड दी थी, सेव एंड ओके, ये सेव हो चुका है। उसके बाद मैं इलस्ट्रेटर को मिनिमाइज करूँ, तो यहाँ मेरे पास ये PDF की फाइल आ चुकी है। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो अभी ये ओपन हो रहा है इंटरनेट के अंदर, क्योंकि मेरे पास अडोब रीडर या अडोब एक्रोबैट नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, और अगर मैं इसको फिट टू स्क्रीन करूँ तो ये आपको कैसा दिखेगा इस तरह। ये इसकी फ्रंट साइड है,
और उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ नीचे की तरफ, तो ये इसकी बैक साइड है, और बड़ा ये अच्छा सा एक डिज़ाइन बन गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉक, सॉरी यहाँ पे जो इसके ब्लेड मार्क है वो भी आ चुके हैं, यानी ऊपर इस तरह, नीचे इस तरह, ये इधर। कटिंग के दौरान ये जो हमारा वाइट एरिया है, एक्स्ट्रा एरिया, वो कट जाएगा, और यहाँ पे ये हमें अंदर से मिलेगा मैटर हमारा। तो यहाँ पे ये बन चुका है। अगर इसको मैं क्लोज करूँ और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँ अभी, तो मॉकअप में ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यानी अगर मैं आपको मॉकअप में लगा के दिखाऊं, आप नेट इंटरनेट से, गूगल से मॉकअप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको वेक्टर भी मिलते हैं या फोटोशॉप की PSD फाइल मिल जाती है, तो आप उसमें इनको लगा के देख सकते हैं। यानी आपने जो भी बनाया है, तो आपने जो भी बिजनेस कार्ड लोगो वगैरह बनाया है, तो उसको आप मॉकअप में देखें, और अपने अगर अपने क्लाइंट को देना है तब भी आपने मस्ट इसको मॉकअप में लगा के देना है। अदरवाइज ऐसे जैसे अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो कुछ खास नहीं लग रहा, यानी इतना अच्छा नहीं लग रहा कि कैसा ये दिखेगा प्रिंटिंग के बाद, कुछ जहन में नहीं आ रहा, तो वो आपको मॉकअप के बाद ही समझ में आता है। यानी बारी बारी आप इनको सेव करें, इस एक आर्ट बोर्ड को पहले कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के एस के साथ सेव करें, यानी JPEG में, और उसके बाद फिर बैक साइड को सेव करें, फिर दोनों साइडों को मॉकअप के ऊपर लगाएं। यानी यहाँ पे अगर मैं गूगल में आऊँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ बिजनेस कार्ड, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसके आगे लिखता हूँ .psd, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बिजनेस कार्ड, यहाँ पे PSD 2600 फ्री PSD फाइल freepik.com पे अवेलेबल है। यहाँ बिजनेस कार्ड वेक्टर फोटो एंड PSD फाइल्स फ्री डाउनलोड freepik, यहाँ पे किसी भी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इमेज में आ जाएं, और अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस कार्ड जैसे ये लगा हुआ है, और इसकी फ्रंट साइड पे आप अपनी फ्रंट साइड रख दें, और बैक साइड पे आप अपनी बैक साइड, यहाँ पे इसकी जो बिजनेस कार्ड की है वो लगा दें, तो आपका ये मॉकअप एक बन जाएगा, और उसको आपको ये कुछ समझ में आ जाएगा प्रिंटिंग के बाद ये कैसा दिखेगा। जैसे अभी यहाँ पे इतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो अगर मैं आपको मॉकअप में दिखाऊँ तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। तो प्रिंटिंग के बाद की ये जो फाइनल लुक है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं, और फ्लायर ब्रोशर्स वगैरह भी हम डिज़ाइन करके देखेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर, लोगो वगैरह भी हम डिज़ाइन करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से हम इलस्ट्रेटर के अंदर इसको डिज़ाइन करते हैं, ये स्टेशनरी वगैरह, बिजनेस कार्ड और फ्लायर ब्रोशर्स वगैरह। अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो इलस्ट्रेटर का बेसिक जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी वो आप देख लें, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरह से हम इन टूल्स को यूज़ करेंगे। उन जब तक आपको इन टूल्स का नहीं पता होगा, यानी यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर जो टूल्स हैं उनका नहीं पता होगा, तो आप डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो आप पहले बेसिक वीडियोज़ जो हैं वो देख लें, उसके बाद आप देख सकते हैं, और आप इजीली कोई भी डिज़ाइन इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।